तो दोस्तों आज हम देखेंगे थॉमसन की टीवी को अपने मोबाइल में जो स्क्रीन कास्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि दोनों टीवी और मोबाइल दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल लेना है, इसके बाद आपको अपना मोबाइल लेना है और मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर देखिए, प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर टाइप करना है गूगल होम, गूगल होम, ये गूगल होम टाइप कर लेना है। इसके बाद सर्च कर लेना है, तो ये जो पहला मिलेगा, ये जो पहली ऐप मिलेगी ये इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे आप, तो ओपन जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें जो कनेक्टेड है, जो वाईफाई आपका ये दिखाएगा, तो इसमें जाके क्लिक करना है और इस पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इस पर कास्ट स्क्रीन कर देना है, और कास्ट स्क्रीन कर देना है। अब इसको स्टार्ट कर देना। अब देखिए ये मेरी स्क्रीन जो है वो स्क्रीन पे आएगा। इसको अगर आप टेढ़ा करेंगे तो देखिए पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेना। उसके बाद जब आपका स्क्रीन कास्ट करके हो जाएगा तो फिर से आपको जाना है अपनी ये इस पे। अब यहाँ पे आएगा स्टॉप स्क्रीनिंग, तो ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे ये चालू हो जाएगा। अब इसमें सबसे मेन बात क्या है, सबसे पहले आपको बैक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है टीवी की। टीवी में यहाँ सबसे सबसे ऊपर यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। फिर सेटिंग पे जाके क्लिक करना है, फिर डिवाइस प्रेफरेंस पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है ये जो क्रोम कास्ट इनबिल्ट है इस पे जाना है, और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है इसमें हमेशा ऑलवेज करके रखना है, तो आपको बार बार ये ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जैसे ही करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही थॉमसन और अन्य चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।